आशा करते आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, आज मैं बनाई हूँ, देखिए दोपहर का लंच में देख सकते हैं, अंडा का सब्जी और यहाँ कच्चू बेसन और मसाला देके पेस्ट बनाए और उसको तेल में फ्राई किए हैं कच्चू को। और यहाँ खट्टा भाजी जो होता है उसका साग को मैंने दाल बनाई हूँ और ये भात है, देख सकते हैं। और आज मैं ये खाऊंगी, देख सकते हैं ये खाना। और गाइस, मेरे को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे को ना अंडा का सब्जी और कच्चू का जो तल में तले हुए रहते हैं ना तेल में, बहुत अच्छा, मेरे को अंडा का सब्जी बहुत ही पसंद लगता है, इसीलिए मैं आज अंडा का सब्जी बनाई हूँ और बेसन को और मसाला देके कच्चू को तेल में फ्राई की हूँ, मेरी फेवरेट है, देख सकते हैं। आज मैं ये खाऊंगी फ्रेंड्स।
खाना खा कर मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा खाना बनाई थी मैं। फ्रेंड्स, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कभी भी खाना खाएं तो अन्य का अपमान कभी मत कीजिएगा। हो सके तो पूरा खाइएगा, जितना आप खा पाएंगे उतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि अन्य एक लक्ष्मी माँ जैसे होती है। अब लक्ष्मी माँ का अपमान करना अन्य का, इसी तरह जैसे मैं खाई हूँ पूरा, आप भी खाइएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ, क्योंकि यदि आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आप जितना हो सके लक्ष्मी माँ का अपमान नहीं करिएगा और पूरा खाइएगा, और जितना ले सके और अपमान नहीं करिएगा, और भगवान का आदर करिएगा, लक्ष्मी माँ का, अनाज का। क्योंकि फ्रेंड्स, आप देखते हैं ना, हम लोग जैसे गरीब आदमी को बहुत ही कम खाना मिलता है, बहुत हम लोग स्ट्रगल करना पड़ता है तभी यह अन्य मिलता है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ सभी भाई बहन को, जितना हो सके जितना मात्रा में आप लेते हैं खाना पूरा खाइए। जो बहुत ही ज़रूरत बात है फ्रेंड्स, देखिए मैं भी एक गरीब लड़की हूँ, मैं अनाज का अपमान नहीं करती हूँ मेरा गरीब, क्योंकि बहुत कम पैसा हम लोग का आता है, 6,000 मंथ में आता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे पापा ही काम करते हैं, मैं भी चौकीदारी वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है उसी में काम करते हैं, उनको 6,000 मिलता है, बहुत हम लोग को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग अनाज को कभी अपमान नहीं करते, पूरी तरह से हम खाएँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हो सके तो आप लोग भी पूरी तरह से खाइए, वेस्ट मत करिए। और यदि आप लोगों के पास यदि थोड़ा यदि पैसा ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आप क्या करिएगा, गरीब में जो रोड में गरीब लोग को घूमता उमता है उन लोगों को मदद करिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो गरीब है ना उनका पेट भर सके थोड़ा सा, यदि आप लोगों के पास पैसा है। क्योंकि उन लोग यदि आशीर्वाद देंगे तो आप लोगों का और आगे उन्नति प्रोग्रेस होगा, ये हम गरीब बहन आपको बोलते हैं। क्योंकि मैं भी खुद बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, जितने फ्रेंड्स खा सकते हैं भाई बहन मेरा, उतने ही आप अनाज लीजिएगा, उतने ही खाइएगा, फेंकिएगा मत। क्योंकि आप ये सोच के नहीं फेंकिएगा, क्योंकि ये सोचिएगा, क्योंकि जो बाहर में गरीब आदमी होते हैं रोड में, उनको कपड़ा नहीं मिलता, ढंग से खाने नहीं मिलता फ्रेंड्स, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो यही सलाह दूंगी फ्रेंड्स, कभी भी हो सके अनाज का अपमान मत करिएगा। अनाज जो है वो लक्ष्मी माँ होती है जो हम लोगों को वरदान देती है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोग आज का अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहन मेरे को सपोर्ट कीजिएगा ये बहन को, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे ही मैं नई वीडियो लेके आते रहूँगी मेरे प्यारे भाई बहन।